हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आवर सेकंड लेसन पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। और आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो देखे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो देखे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। We have polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. यहाँ पर highest power 3 है, it means इस polynomial की जो degree होती है वो होती है 3. आपके textbook में example given है, px is equal to x cube minus 4x square. ये एक polynomial given है, cubic polynomial, जिसका हमें graph plot करना है और इस graph से हमें find करना है number of zeros of cubic polynomial. तो किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब भी हम उसे ग्राफ फाइंड करते हैं तो पहले हमें उसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं, मींस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को इक्वेट करना होता है वाई से। सो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए हुए हैं। यहाँ हम देखिए टेबल में इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये हम लीनियर पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके उनके वीडियोज देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट अपने अकॉर्डिंग लेना होता है। हम x की कोई भी वैल्यूज चूज कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, x की वैल्यूज लिए। जब x की 1/1 वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें y की उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाती है। हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट दोनों भी आ चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस भी ड्रॉ कर लिए हैं। सो पहला पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू जीरो। जब भी एक कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो पॉइंट हमेशा एक्सिस पर लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो है तो पॉइंट x एक्सिस पर रहेगा, जो कि है x is minus 2. So, ये यहाँ पर आ गया minus 2. x is minus 1, y is plus 3. So, ये x की वैल्यू minus 1 और y की वैल्यू plus 3 यहाँ आ गया। x and y both are 0. So, ये रहेगा ओरिजिन पर। x की वैल्यू plus 1, y की वैल्यू minus 3. So, x की वैल्यू plus 1, y की वैल्यू minus 3 यहाँ पर ये नीचे जाएगा। नेक्स्ट x y कोऑर्डिनेट इज 0, इट मींस पॉइंट विल बी ऑन द x एक्सिस। सो x की वैल्यू 2। हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये यहाँ से ये ऐसे आएगा, ये पास हुआ ओरिजिन से, ओरिजिन से ये आएगा नीचे और नीचे से ये जाएगा ऊपर। ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल का ये है ग्राफ। अब हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम देख रहे हैं जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को थ्री डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले यहाँ पर किया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड ओरिजिन पर और थर्ड ऊपर। सो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को थ्री डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम थ्री जीरोस। इन थ्री जीरोस को नेम दिया जाता है अल्फा, बीटा एंड गामा। ये इनके नेम्स है। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने नेम दिए थे अल्फा बीटा, तो यहाँ पर थ्री जीरोस है तो थ्री नेम रहेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्राफ माइनस टू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस अल्फा हो गया माइनस टू। सेकेंड देखे ग्राफ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस बीटा की वैल्यू हो गई जीरो। थर्ड अगर हम देखें तो ग्राफ टू पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो गामा की वैल्यू हो गई टू। सो यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक हमारे पास यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, उसके थ्री वैल्यूज आ गई, थ्री जीरोज आ गए, जो कि है माइनस टू, जीरो एंड टू। इट मीन्स एक्स की यहाँ पर हमारे पास थ्री वैल्यूज आ गई, माइनस टू, जीरो एंड टू। सो इन तीनों वैल्यूज को जब हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, ये तीन वैल्यूज को जब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। सो तीन ही ऐसी वैल्यूज है, माइनस टू, जीरो और टू, जो इस पॉलिनोमियल को
जीरो बनाएंगे, बाकी हम कोई भी दूसरी वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पर पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा। अगर अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरो है सो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा बन जाते हैं इसके फैक्टर्स। जो भी वैल्यूज आएंगी उसको हम उसे हमें एक्स में से प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस। जैसे कि यहाँ पर एक्स पहली वैल्यू एक्स की माइनस टू है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, सेकेंड वैल्यू एक्स की जीरो है सो ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो, थर्ड वैल्यू टू है सो ये थर्ड टू है सो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। इट मीन्स दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इन तीनों फैक्टर्स से कंप्लीटली डिवाइड होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक इज गिवेन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो हमने इक्वेशन बना लिया वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड किया, एक्स की वैल्यू हमने माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू लिए। जब वन बाय वन इन वैल्यूज को इक्वेशन में रखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब में तो हमें वाई के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मीन्स वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लिए, वन बाय वन इन पॉइंट्स को इन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो पहला है एक्स की वैल्यू माइनस टू, वाई की वैल्यू माइनस एट, सो ये एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई की वैल्यू माइनस एट यहाँ पर आ गया नीचे। सेकेंड एक्स एंड वाई बोथ आर माइनस वन, सो ये हो गया माइनस वन यहाँ पर। थर्ड ओरिजिन पर है जीरो जीरो, एक्स एंड वाई बोथ आर वन सो ये यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 2 और यहाँ पे y की वैल्यू है 8, सो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 यहाँ पर आएगा। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, सो हमने यहाँ पर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिए। सो ये हमारे पास ग्राफ बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ यहाँ पर आ गया। ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जो है x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही जीरो है और वो जीरो वो कहाँ से पास हो रहा है, जीरो से ही पास हो रहा है, तो इसके जीरो जीरो ही है। मीन्स इस पॉलिनोमियल में जब हम जीरो रखेंगे तभी ये जीरो बन जाएगा, बाकी वन टू थ्री फोर फाइव प्लस या माइनस में कोई भी वैल्यूज ले तो ये जीरो नहीं बनेगा एक्सेप्ट एट द जीरो। अब क्वेश्चन ये है कि अभी इसके पहले हमने ग्राफ में देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्री जीरो होते हैं अल्फा बीटा और गामा, सो यहाँ पर एक जीरो कैसे आ रहा है। सो यहाँ पर भी तीन जीरो है बट वो तीनों वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू जीरो, तीनों भी वैल्यू एक ही आ रही है, अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, गामा भी जीरो है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसके सिर्फ एक ही जीरो है, डेट वो भी क्या है जीरो। अब अल्फा बीटा गामा अगर यहाँ पर इसके जीरो आ गए तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ये बन गए इसके फैक्टर्स। तो इक्वेशन से अगर देखें तो क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो एंड एक्स माइनस जीरो, ये आ गए इसके फैक्टर्स। जब हम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स माइनस जीरो होता है एक्स, एक्स माइनस जीरो भी होगा एक्स, एक्स माइनस जीरो भी होगा एक्स, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यूब आ गया हमारे पास। इट मीन्स अगर सिर्फ हमारे पास किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से हम उसके जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो से हमें उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे और फैक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल वी हैव px is equal to x cube minus x square, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया सो y से इक्वेट करती है, y is equal to x cube minus x square। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमने यहाँ पे टेबल बना लिए, अपने अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यूज भी ले लिया माइनस वन जीरो वन। जब हम इन वैल्यूज को वन बाय वन इस पॉलिनोमियल में इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें उससे कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज मिल जाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ हो गया है, अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट है एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस टू, सो ये यहाँ पर आएगा, ये आ गया वाई माइनस टू एक्स माइनस वन। एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो तो ये आ जाएगा ओरिजिन पर,
एक्स की वैल्यू 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस पॉइंट एक्सिस के ऊपर आएगा। थर्ड, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, सो ये एक्स 2 हो गया और ये वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। पॉइंट्स प्लॉट हो गए, अब इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का। अब हम यहाँ पर अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ये दो जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मीन्स इसके कितने जीरो रहेंगे, दो जीरो रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेन क्वेश्चन वही है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो तीन जीरो होते हैं, बट यहाँ पर तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके दो जीरो कैसे आ रहे हैं? दो जीरो यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तीन वैल्यू में से मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो ग्राफ क्या कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर इसको सिर्फ टच कर रहा है, तो अल्फा और बीटा दोनों भी यहीं पर ही रहेंगे, अल्फा की वैल्यू भी जीरो हो जाएंगी और बीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाएंगी, मीन्स अल्फा और बीटा मर्ज हो गए। उसके बाद इंटरसेक्ट कहां से हुआ, कहां से पास होते हुए जा रहा है, 1 से, तो गामा की वैल्यू आ गई 1। तो इस टाइप से अगर इस क्वाड्रेटिक सॉरी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं या फिर एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं या फिर एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तभी यह पॉलिनोमियल 0 बनेगा, बाकी किसी भी नंबर पे यह पॉलिनोमियल 0 नहीं बनेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर इस पॉलिनोमियल के दो जीरो है, एक है 1 और एक है 0। अगर ये इसके जीरो है तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 0 एंड एक्स माइनस 0, अल्फा बीटा गामा, ये तीन फैक्टर्स आ गए। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें इक्वेशन मिल जाएंगी पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने इसके तीन केसेस देखे। तो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्री केसेस देखे। फर्स्ट केस में ग्राफ 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो 3 थे। सेकंड केस में ग्राफ ने सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट किया, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरो 1 था। यहाँ पर ग्राफ ने दो जगह इंटरसेक्ट किया, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरो 2 थे। इट मीन्स कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज रहेंगे और कम से कम एक जीरो तो होगा ही होगा। ये ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा और कम से कम एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। अगर 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास 3 डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी अल्फा बीटा गामा की। एक जगह अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पर अल्फा भी वही रहेगा, बीटा भी वही रहेगा और गामा भी वही रहेगा। वहीं अगर 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो जहां से टच करेगा वहां पर अल्फा और बीटा रहेंगे और जहां से क्रॉस करता हुआ जाएगा वहां पर हो जाएगा गामा। सो ये 3 केसेस थे। अब इन तीनों अगर इन तीनों में तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ग्राफ का कोई फिक्स शेप नहीं है। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो पैराबोला शेप में होता है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये हमें किसी भी शेप में मिल सकता है। और ये ग्राफ जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 जगह भी कर सकता है और 2 जगह भी कर सकता है। सो इन ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल डजंट हैव फिक्स्ड शेप। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 3 जीरोस, ज्यादा से ज्यादा इसके पास 3 जीरो होंगे और कम से कम एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा। सो जब हमने यहाँ पर हमारा यहाँ पे अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियोस में हमने लीनियर पॉलिनोमियल भी देखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी देखे, यहाँ पे हमारे पास था क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखे तो यहाँ पर था नंबर ऑफ जीरो 1 और इसकी डिग्री भी क्या है 1। क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री भी होती है 1 और इसके पास नंबर ऑफ जीरो भी 1 ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं और इसकी डिग्री होती है 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो और इसकी डिग्री भी है 3। सो अगर हम यहाँ पर इनको ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जितने डिग्री रहेंगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेंगे। तो वैसे ही अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री अगर n है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरो भी रहेंगे n। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले।